सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल वोल्फ का, प्राइमल फियर का। और आज है गाइस बॉस फाइट का दिन, क्योंकि आज हमारी असली फर्स्ट बॉस फाइट जो ना गाइस, वो आर्क सर्वाइवल वोल्फ की प्राइमल फियर के इस सीरीज की जो ना गाइस, इस सीजन की होने वाली है। और वो फाइट होने वाली डिमोनिक रीपर इम्प्रेस बॉस से। और गाइस, उसके अगेंस्ट हम कौन सा डायनो उतारने वाले हैं भाई, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे यार अपने चैनल पे, जो ना अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस, हमारा जो गोल है, जो कि है गाइस यहाँ पे फिलहाल के लिए गोल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई दिल से भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना जो भी नए बंदे होंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गेमिंग भी दाने के चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिनके चैनल पे इसी सीरीज की जो ना गाइज चार वीडियो आज अपलोड होने वाली है, तो जाके जरूर देख लेना। और गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे ब्लॉगिंग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा, तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, यार फटाफट जाके सब्सक्राइब तो क्या आ जाओ यार। तो गाइज, आज के एपिसोड में जो ना गाइज अपने पास दो बॉस है, या तो सिलेस्टियल इम्प्रेस या फिर भाई डिमोनिक वाला इम्प्रेस भाई, ठीक है। इंडोम भाई, सिलेस्टियल वाला इंडोम जो है ना गाइज, वो अपन उससे फाइट ले सकते, या फिर हमारा डिमोनिक इम्प्रेस है ना गाइज, उससे अपन फाइट ले सकते। और आज मैं यहाँ पे जो ना गाइज डिमोनिक वाला जो हमारा बॉस है ना गाइज, उसकी सबसे पहले बैंड बजाना चाहूंगा। एंड गाइज, उसको मारने के लिए जो ना गाइज यहाँ पे मैं कौन से डायनो का और कौन से भाई खतरनाक से मतलब डिमोनिक डायनो का मैं यूज करने वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो ना गाइज मेरे को बॉस, रुक जाओ यहाँ पे बॉस। हाँ भाई, ये मैंने पिछले एपिसोड में बना दिए थे गाइज, आपको पता ही होगा, अगर नहीं बताया तो पिछला एपिसोड जाके देख लेना यार। तो गाइज, ये रहा हमारा डिमोनिक रिपर इम्प्रेस बॉस समॉनर भाई, ठीक है। गलती से भी ई अगर क्लिक हो गया ना, तो बेस के अंदर सीधा बॉस समॉन हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी जो ना गाइस अपन को इसको थोड़ा सा दूर लेके जाना पड़ेगा इनकेस, वैसे चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे हमारा डिमोनिक वाला डायनो या फिर डिमोनिक वाले डायनो के आर्मी भाई अगर यहाँ पे फेल होगी ना, तो यहाँ पे जो ना गाइस बैकअप कुछ ना कुछ चाहिए होगा। वरना अगर पता चला मैंने यहीं पे भाई स्पॉन कर लिया और मेरी आर्मी फेल होगी, उसके बाद में उसको मारने के लिए मेरे पास कोई डायनो ही नहीं है, तो मेरा पूरा का पूरा बेस उड़ा देगा। इसलिए जो ना गाइस मैं बेस से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ। एंड भाई, इसके लिए जो ना गाइस, इस इम्प्रेस के लिए मैं कौन सी भाई यहाँ पे खतरनाक सी जो ना गाइस आर्मी यूज करने वाला हूँ गाइस, ये हमारे डिमोनिक मेसोपिथेकस, जो हमारे बंदर सर जी भाई। ओ भाई, डिमोनिक वाले दो डायनो, पिछले बार जब मैंने बैटल ली थी ना गाइज, तब भाई आई थिंक इन्होंने जो ना गाइज अंडे डाले होंगे भाई, खतरनाक मजे ही मजे गाइज। चलो आ जाओ बेस से जो ना गाइज थोड़ा सा दूर बैटल लेंगे अपन, ज़्यादा भी दूर नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर, यहाँ पे बेस नज़दीक तो नहीं पड़ेगा ना, मेरे हिसाब से बेस नज़दीक नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अपना काम बन सकता है गाइज, ठीक है। रुक जाओ, पहले पूरा का पूरा एरिया जो ना गाइज वो क्लियर कर ले दो। पॉटी डाल बेटा, एक भी पेड़ दिखना नहीं चाहिए अपने भाई बैटल ग्राउंड में गाइस, ठीक है। अरे यार, यहाँ के पेड़ रह गए भाई, रुक जाओ। ए पॉटी डाल रहे, पॉटी डाल ले बेटा, खतरनाक। शाबाश भाई, हर तरफ पे बम चिकी चिकी बम फोड़ फोड़ के पूरा का पूरा डिफॉरेस्टेशन कर दिया भाई, एक भी पेड़ नहीं बचा है। उधर भी डाल। आई शाबाश, ओ वहाँ पे नीचे कोई तो एक और बंदर है। अरे अपन दोनों भाई भाई, रुक जाओ, अपना भाई कोई तो है नीचे भाई, रुक जाओ, उसको चेपने का टाइम आ चुका है। हेलो ब्रदर, हेलो डिमोनिक वाला मेसोपिथेकस। हाँ भाई, मिल गया, 390 लेवल का था पे वो, अगर उसको टेम कर लेता तो मेरी आर्मी जो ना गाइस थोड़ी सी बड़ी हो जाती, लेकिन कोई ना। चलो तो यहाँ पे मैं उस बॉस को बुलाने वाला हूँ, पूरा का पूरा एरिया मैंने क्लियर कर दिया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो भाई, ठीक है। चलो अभी जो अपने आर्मी है ना गाइस, उनको मैं सबसे पहले बाहर निकाल देता हूँ, और इनको पावर अप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भाई हमारी डिमोनिक वाली रिपर बॉस है ना गाइस, वो जैसे भाई यहाँ पे स्पॉन हो जाती है ना, सबसे पहले आपका सिलेस्टियल या फिर डिमोनिक डायनो की वो पावर डाउन कर देती है, तो वो वाला जो ना गाइस काफी गंदा वाला सीन होता है। तो इसलिए जो ना गाइस यहाँ पे पावर अप अपन नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। आ जाओ, लेट्स गो डिमोनिक मेसोपिथेकस, और इस बार मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि मरने के चांसेस जो है ना गाइस, इसका सैडल तो नहीं है ना, हाँ मरने के चांसेस जो है ना गाइस हमारे सारे डिमोनिक के, तो मैं हाई लेवल का हमारा डिमोनिक जो बंदर है उसको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा इस फाइट में। रेडी हो गाइस? पावर अप बिल्कुल नहीं करना अपन को, अगर पावर अप कर लिया तो समझ लेना भाई मर गया अपन भाई, टाटा भाई गुड बाय हो गया। तो ये रहा गाइस हमारा डिमोनिक रिपर इम्प्रेस बॉस, और इसको हम यहाँ पे स्पॉन करने वाले, फर्स्ट बॉस बैटल है भाई इस सीरीज की। आपको क्या लगता है, हारूंगा या जीतूंगा मैं, नीचे कमेंट मार के बता देना। और अभी अपन ये बैटल शुरू कर रहे हैं, 1 2 जय भद्रकाली भाई, 3 भाई लेट्स गो। ओके, जमीन पे उतरने दे। नाइस कम ऑन, व्हाट द, मर गई
हेलो, अबे सर्वर बूस्टेड नहीं है गाइस, मैं आपको पहले बताओ। आप बोलोगे भाई सर्वर बूस्टेड बिस्टेड है यार, पागल बना रहा ना। बिल्कुल भी सर्वर बूस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी। लगभग भाई 5x होगा, वरना अपना नॉर्मल प्राइमल फेयर 50 या 60x चलता है, समझ रहे हो गाइस। ये तो भाई 5x है ओनली, 5 ही नहीं, 2 या 3x होगा भाई। इसको भी पिल डाला यार, मजाक हो रहा है क्या? नहीं मतलब हमारी डिमोनिक में की आर्मी भाई किसी से कम है क्या भाई? दे दे भाई सामान, दे दे भेज गया मेरे को। जो ना गाइस डिमोनिक वाला जो भाई आर्मर है ना गाइस, वो मिल चुका है। वैसे डिमोनिक वाला आर्मर जो ना गाइस काफी ओपी होता है, लेकिन सिलिस्टर वाला आर्मर मेरे को चाहिए होगा भाई, डिमोनिक वाला नहीं चाहिए गाइस। अपने बंदरवा की आर्मी ने फुल टू बैड बजा के रख दी यार उसकी तो। हैं गाइस जरा बंदर बंदर आर्मी ओपी भाई नीचे कमेंट में होना चाहिए भाई, जो भी वीडियो देख रहे हैं अब भी कभी भाई थोड़ी इज्जत दो यार हमारे बंदर आर्मी को भाई। क्या ही पहला डैमेज दिखा ओ भाई, ओ उसको भाई ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा, 800 का डैमेज पड़ रहा था, और वो देख रहा हूँ कितना ज्यादा डैमेज दे रही थी। लेकिन लकीली जो ना गाइस अपन का बर्निंग अटैक था ना, उसमें डायरेक्टली वो मर गई गाइस। और यहाँ पे तुम्हारा भाई जो ना गाइस वो बच चुका है भाई, खतरनाक खतरनाक। तुम दोनों इधर आ जाओ भाई, तुमने काफी ज्यादा खतरनाक काम करा भाई, ठीक है। लेकिन असली खतरनाक काम इसने करा भाई, क्योंकि सबसे पहले पॉटी जो ना गाइस वो इसी ने फेंकी थी गाइस, और उसी के कारण जो ना गाइस डिमोनिक हाइट ले लूँ क्या? थोड़ा सा डिमोनिक हाइट ले लेता ना गाइस साइड साथ में, अभी किसी काम आ जाएगा इस यहाँ पे अपने बेस पे। क्या बोलती पब्लिक, किसी ना किसी काम तो आ ही जाएगा कभी ना कभी। वैसे मेरे पास डिमोनिक वाला हाइट भाई काफ़ी ज़्यादा पड़ा होगा। डिमोनिक हाइट चाहिए होगा, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ना अगले एपिसोड में मैं थ्रोनी ड्रैगन को जो ना गाइज थ्रोनी ड्रैगन से बॉस फाइट लेने वाला, और मैं उसका आर्मर जो ना गाइज, क्योंकि भाई यहाँ पे बंदर को तो अपन भाई सैडल बिडल नहीं लगा सकते, लेकिन गाइज अपन थ्रोनी ड्रैगन को सैडल लगा सकते हैं ना, तो उसका सैडल जो ना गाइज वो यहाँ पे अगले एपिसोड में फुल अपग्रेड करूंगा, एंड उसके बाद में बैटल लेने वाला होगा, ठीक है। एकदम खतरनाक और डेंजरस सी बैटल भाई, ठीक है ले बेटा। ऑलराइट मेरे हिसाब से इतना हेड इनफ रहेगा क्या? अभी इनफ हो जाएगा गाइस, काम बन जाएगा अपना। ऑलराइट लेट्स गो, डन 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 भाई, चलो लेट्स गो। अभी तो बॉस फाइट हो चुकी है गाइस, और अपन को जो है ना गाइस उसका टेमेबल वर्जन जो है ना गाइस वो भी मिल चुका है यहाँ पे, जो कि एक्सपायर होगा भाई, काफी ज्यादा टाइम है यार। बड़े आराम से जो ना गाइस इसको भाई कल वाले जो एपिसोड्स आएंगे ना गाइस उनमें हैज कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। बड़े आराम से उन एपिसोड में इसको हैज कर लेंगे, और इसका जो ना गाइस सैडल बिडल तो अपने पास पहले से आ चुका है, देखो देख रहे हो काफी चला गया। अरे मिड फेंक दे भाई, ये देखो गाइस इसका सैडल आ चुका है, तो मेरे को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाले। और इसका आर्मर सेट जो ना गाइस वो बहुत ज्यादा अपन जल्दी कंप्लीट करेंगे, बस हमको जो ना गाइस यहाँ पे आर्टिफैक्ट भाई जल्दी जल्दी मिल जाए यार। जब तक अपने पास ज्यादा आर्टिफैक्ट नहीं रहेंगे ना, तब तक अपन ओरिजिन वाले बॉस। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ओरिजिन वाला आरजी या फिर एलो हमेशा होता भाई, हमेशा होता भाई, रुक जाओ। मैं ओरिजिन वाले उन बॉसेस को मारता हूँ, क्योंकि उनको मारने से जो ना गाइस यहाँ पे म्यूजिक बज रही है, म्यूजिक तो बज रही है भाई। कौन है भाई यहाँ पे? ओरिजिन वाला आरजी है क्या? म्यूजिक तो बज रहा है, अच्छा ये इनके कारण म्यूजिक बज रही है क्या? ये मेरे को ब्लीडिंग डैमेज भी दे रहे हैं भाई, मेरे को लगा कोई ओरिजिन वाला जो है ना गाइस बॉस भी से यहाँ पे, इसलिए म्यूजिक बज रही है। वो पीछे दो भाई वो उड़ने वाले भाई क्या बोलते हैं वो रैप्टर टाइप होते हैं ना, वो पड़े थे डायनोसॉर्स या समथिंग जो भी बोलते हैं उनको, इसलिए बज रही थी यार म्यूजिक। और कोई एक है यहाँ पे, यहाँ पे मैक्सिमम करके मिल जाता है यार, एक आरजी या फिर एलो होता है, लेकिन आज लग रहा है भाई वो छुट्टी पे गया हुआ है, ठीक है। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो गाइज एक काम कर लेते हैं, आज की अपनी बॉस फाइट भी हो चुकी है, एंड आज भाई जो अपन को करना था वो भी अपन ने कर लिया है। डिमोनिक बंदर से अपन ने जो ना गाइस यहाँ पे इजीली भाई बड़े आराम से जो ना गाइस डिमोनिक वाला जो बॉस है ना भाई उसकी भाई बैट बजा के रख दी है। तो गाइस आज का एपिसोड और आज की बॉस फाइट आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। इससे भी ज्यादा खतरनाक वाली बॉस फाइट जो ना गाइस अपन अगले एपिसोड में लेने वाले हैं, तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करने का। तो मिलते हैं गाइस आपसे सीधा अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल वुल्फ के प्राइमल फियर के। अगर आज का एपिसोड और आज की बॉस फाइट जो हमारे भाई डिमोनिक बंदर के आर्मी ने लिए भाई वो बॉस फाइट अगर आपको पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉगिंग चैनल और गेमिंग भी दाने के चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। आप बताए मेरे को काफी छोटी वीडियो है, क्योंकि बॉस बैटल गाइस काफी ज्यादा जल्दी खत्म होगी, तो अभी अपन इसमें कुछ और करना नहीं चाहते, सीधा अगले एपिसोड में मैं वापस से नई वाली बॉस फाइट ले लूंगा गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गाइस। Day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.